बताओ, आज ना आपने कहानी सुनाऊं कजरी तीज की, तो बिद्दी सहित। तो एक ही कहानी बिद्दी है कि भाई जगी जगह पा तलाई मनावा भी जगह शुद्ध कर लेवे, गंगा जले कचो दूध ब्यू और गाय के गोबर हूँ तलाई बना लेवे। तलाई बनार भी कुपरे नीम की डाली वह भी के मोली बांदर भी की माले नीमड़ी भी उगावे ने जवा नीमड़ी उजेवे भी परे लाल कसुमो ओडावे चूनड़ी और रोली मोली काजले मेहंदी से माले ले लेवे और 16 टिक्की रोली की लगावे, 16 टिक्की काजल की लगावे, 16 टिक्की मेहंदी की लगावे और मोली बांधे और वो काचो दूध और दही वह जुको भी मैं तलाई के माने गा ले और सातू काकड़ो नींबू केलो ये सगली चीज़ा चढ़ा वे और भी तलाई के माने देखे हर एक एक चीज़ को मान ले के तलाई में सातू दिख्यो क दिशो जिशो टूट्यो ये साबू भाई हर चीज़ ने 3 बार देखे और के वे और माँ बाप दिख्या दिशा दिशा टूट्या, भाई भुजाई दिख्या दिशा दिशा टूट्या, सासू ससुरा दिख्या दिशा दिशा टूट्या। भाई घर घर को दनी मान ले परन्योड़ो साहिब दिख्यो दिशो दिशो टूट्यो ये साबू नाम लेवे और भी के बाद का मायने कै इंडो गल है और जत इंडा खार ही पानी पीवे पानी को नहीं पीवे और वह चांद के रख देवे। तो ये साबू अविद्य है। तो अब आपने कहानी सुनाऊँ, एक सेठ हो भी सेठ के 7 बेटा और 1 बेटी। तो वे वो जया व्रत करो जना वाह सेठ की बेटी वाह माले ननदीज की, क्योंकि भाई मैं ही व्रत कर सी हूँ जब माँ बाप ने भाई ने वो जयान से नटिया के उतारू कौन वह तू छोटी है पर बाकी क्यों नहीं मैं व्रत कर सी हूँ। तो वह व्रत कर लियो जना वाह दोपहर ताई तो हस्ती खेलती रही और दोपहर बाद में कमलाई जन लाग गई, कमलाई जन लाग गई जना भाई क्यों क्यों भाई आ तो अभी कमलाई जन लाग गई तो चानकना उगसी गए जना भाई आऊँ भी को माले देखी जो को नहीं दुख बा माले उदास उगी जना चाह एक भाई तो डूंगर लाल जार बाजते वाली दूसरो भाई आडी चाल नहीं दी अरे वो जया जी की क्योंकि भाई सा चांद देख लियो क्या चांद उग्यो व्रत खोल लियो जब बा क्योंकि थे ही खोल लियो क्योंकि नहीं ननद को चांद पहली उगे वो जया को पछ उगे गए जो था को उग्यो है जब बात वहाँ बोली जाने तो हाथ को नहीं जो आपकी अर्घ देर आपकी व्रत खोल लियो जिमन ने बैठ की जिमन ने बैठ की तो पहलो गास्यो लियो जब छींक आई, दूसरो गास्यो लियो जब माल आयो, तीसरो गास्यो लियो जब माखी आई, चौथो गास्यो लियो जब तेने सास रहूँ ससुर है जो को लेना आ गयो के भाई थक जुआई को पेट दुख है जो को भेजो जना वाह माँ है जी आपकी है जो को क्योंकि भाई नीमड़ी की पूजा कौन करी जो को वह नीमड़ी पूजन वालों समान है जो एक छाबड़ी का मायने रोली मोली मेहंदी वाह चूनड़ी ओडा वजकी केला नींबू सातू सो क्यों गाल राखी भी पर कपड़ों बांध दियो, कपड़ों बांध और दे दियो राखी बक्सो खोलियो तो बक्से का मायने बिरंगा कपड़ा निकले सुरंगा कपड़ा को निसरे पर हाजी से आपकी पिरा दियार वीर कर दी सुसरे सागे वीर कर दी। तो पहली बैलगाड़ियाँ होती जहाँ बैलगाड़ी पर वह बैठा दी क्यों बैठा जटी नीमड़ी दिखे जटी तो पूजा कर ली जना आपका चालता चालता दिन आंत गयो दिन आंत क्यों जना वो ससुरो क्यों क्यों भाई थोड़ी देर गाड़ी रोक ले वहाँ के भाई बू बुआरी है बोल आत को नहीं कहे उतर जा वह जो मान ले वो गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकी जना बा नीमड़ी दिखी जा आपकी गई गई जना आपकी जी ही बा लार लार चल है नीमड़ी अग अग चल है यहाँ करता करता हर कासा दूर चाल गई जने क्यों हाथ जोड़िया के हे महाराज तीज माता भाई नीमड़ी अग अग क्यों चल है कह भाई का ही गलती होगी मारूँ जना वाह नीमड़ी क्यों क्यों भाई तू वर्त बाननी है कथा रुकुण मुंडो देखे क पापण है तू तो जै क्यों क्यों मत भाई बोली जाने को नीर अब मन भाई कोई गेलो तो सुझ जाओ कि मैं काई करूँ गए भाई वर्त के माने बंज पड़ गयो तो जने क्यों क्यों गेलो तो भाई मैं तो छोटी तीज हूँ अर मारूँ बड़ी बाद वाली तीज असी जकी दिन गेलो सुझाई जा 15 दिन बाद के मान बाद वाली तीज आई कजरी तीज तो वह तीज आई जना एक जो वाह नीमड़ी के मान ले पगा पड़न लागी जने क्यों क्यों तू वर्त बाननी है कथा रुकुण मुंडो देखे कि तू तो वापण है जना वाह पगा पड़ गई रोन लागी क्योंकि भाई मन कोई कहीं उपाय तो बताओ कि भाई वर्त बांध दियो तो अब मैं काई करूँ कह चाहे क्यों क्यों काई काई करे कह बाबा भी ने छबड़ी ने खोल रे देखी तो अगर भी मान कोयला हो गया बा तीज भी नीमड़ी पूजन खातर भी कि माँ गालियो समान जगह हो गया तो चाहे क्यों अब मैं काई करूँ जना तीज माता ने याद करी जना बे पाछा गालिया जी सही हो गया
जा नीमड़ी की पूजा कर दी जा तू क्यों क्यों घर जाई क्यों थारी सासू हुई तो क्यों क्यों तीज माता रुसेड़ी है अरे क्यों थारो ही रुस गई पण तीज माता उबा माफ़ी मांगी जना बिन तू माफ कर दी क्योंकि भाई और तो मारकन की उपाय को नहीं अरे तू थार घर जा घर गई जना जार सासू को पगा लागी पगा ला अगर आके एक जुको सोनने गई नहीं जा मेल का मान सो बन गई तो आपकी पेड़िया का मायने एक पेड़ी पर बेखलू धूल बिछा दियो दूसरी पेड़ी को पर दोबड़ी बिछा दी तीसरी पेड़ी पर फूल बिछा दिया चौथी पेड़ी पर एक कटोरो भरे दूध को मेल दियो जना वह तीज माता क्यों क्यों भाई आधी रात का काड़ो श्याम पावलो और थार पति डस लो तू सोई मत ना कह जागती रही जे जना वो श्याम तो आपको आधी रात हुई आयो जना पहली पेड़ी पर चढ़र फूलां में लुट्यो दूसरी पेड़ी पर चढ़र धूल में लुट्यो तीसरी पेड़ी पर चढ़र दोबड़ी में लुट्यो चौथी पेड़ी के ऊपर वो चढ़र दूध पीन लागो जना बा आपकी ढालू ढक दियो और ढकर जार बस होगी बिन तीज माता को कीड़ो के बिन ढालू ढक दे कर दूध पिए जना सोगी तो सुबह का एक जो भी कहे सासू का छह बेटा भी यहीं खत्म हो गया जना बात बाप डर तो लग गई ने कह के भाई ओ सातू बेटो यार क्यों ओ केठा किसी हो के मान लीजिए तो रेसी बेच है तो उड़ गया जना वो हुआ सुबह हुई रात की कोई बाया ईज कहन क्योंकि भाई देखो तो सरूँ के भाई मारे बेटो और बू नीचा आवे के अरकियाँ नहीं है कह जब ये चढ़न लग गई जना बे तो आपका दोनों मोटे आलू गई उतरे सात पर उतरे जना क्योंकि भाई थारो बेटो और बूत आवे जब आ सासू भी के भूख पगह पड़न लगी क्योंकि भाई तू आज मारे बेटे ने जीवा दियो नहीं मारा छह बेटा तो उड़ गया के चाहे क्यों सासू जी मैं कौन जीवायो कहते तीज माता ने एक जुको हाथ जोड़ो तीज माता का पगह पड़ो तीज माता ही था बेटे ने जीवायो है जने क्यों क्यों था तो तीज माता रुसेड़ी मारो ही रुसेड़ी तो अपा तीज माता को अजुणू कर सियाँ अरे अपा तीज माता को व्रत कर सियाँ हे महाराज तीज माता बन मान ले टूटी जिसी तो टूट जे पण बहु रूसी जिसी कोई मत रूट से तो वो तीज माता की मान ले कहानी व्रत की कहानी आपने किया लागी जकी पूरी सुन जियो और राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। तो अपा व्रत करा जना कोई भी व्रत करो तो गणेश जी की कहानी सुननी जरूरी हुए तो इमास्ता आपने गणेश जी की कहानी सुनाऊँ। तो एक मेंढक और मेंढक या तालाब की पाल पर रहता जो मेंढक की तो कहानी सुनती विनायक जी की और मेंढक के तो कहते रोजिना क्या बड़बड़ाहट करे क्यों कहीं देवे विनायक जी आप तो गार खवार पानी पीवा चाहे मेंढक की क्यों विनायक जी महाराज इनकी कष्ट दिखाड़ो वो मन कहानी को कहण देवे जना विनायक जी महाराज आपका है जो समुद्र में वो पानी चोस दियो सगड़ो तालाब में पानी चोस दियो जहाँ रावड़ी माणस आई जो आपकी दोबा गाल और गढ़े में लेगी चाहे क्यों गुदड़ेल पानी को और तो कहीं करार बंटो चोड़ दिया जब बंटो चढ़ा दियो मेंढक और मेंढक की बिकमाय नहीं उड़ गया तो आपकी नीचे तो तप दे दियो ऊपर ढक दे दियो क्यों मेंढकी में तो बढ़ूँ क्यों तू बढ़तो लो क्यों मैं तो ठरूँ चाहे क्यों आज ताणी विनायक जी ने याद कर ले क्यों अपन जीवनता निकल जाए जा तू पानी के दे मैं उकारो दे दिस्यूँ चाहे मेंढकी सातवार क्यों संकट विनायक संकट काट संकट विनायक संकट काट सतमत का खोदा बना रे भेजा मेंढको मेंढकी तो वे सतमत का खोदा बना रे भेजा पातला तो फूट गया और मेंढको और मेंढकी आपका तालाब की पाल पर उड़ गया जय गणेश देवा तप्यो तपे श्री लोभ लोभे श्री तप्यन तपको फल मानमा की कहानी गोय महाराज विनायक जी अधूरी तो पूरी कर जो पूरी है तो प्राण छोड़ जो गुल्ली चुकी तो प्राचित मत लाग जो ना। तो आपने कहानी सुनाई किसी की लागी जी की कमेंट में बता दिया और बढ़िया लागी हुआ तो चैनल ने सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दिया। राम राम साहब। तो अगले वीडियो को माना आपने बहुला चौथ की कहानी सुनाऊँ वीडियो अगलो भी जरूर देख जो और ही।